hello students good morning to all of you i welcome you to my youtube channel english software dear students today i am present here with the topic indigo which is the fifth chapter from the flamingo in class 12 so let's know about the author first and later we will discuss the uh, indigo chapter okay louis fisher so indigo has been written by louis fisher uh, who was born

गाइज जो फ़िशर थे यानी लुइस फिशर जो थे ना इनका कैरियर कैसे शुरू होता है एक जर्नलिस्ट के रूप में यानी पत्रकार के रूप में इन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी अपने करियर और द न्यूयॉर्क वो उस पत्र जो जर्नलिज़्म था वो जो जनरल था, था यानी जो उनका उनकी पत्रिका थी द न्यूयॉर्क टाइम्स जिसमें उन्होंने काम किया था दटेटरी रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस राइट ही वॉज ऑल्सो मेम्बर ऑफ़ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के मेम्बर भी थे वो द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्राम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इन्होंने लिखा था लाइफ ऑफ महात्मा गांधी राइट और इसका सिर्फ एक पार्ट है इंडिगो क्या है इंडिगो इज़ ओनली एन एक्सेप्ट फ्राम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी विच इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म बुक है ना इसका जो रिव्यू हुआ है, वो सबस, अभी तक लिखी गई महात्मा गांधी पर लिखी गई सबसे अच्छी किताबों में से एक जिसको टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने डिक्लेयर किया है चलिए डियर आगे चलते हैं अभी नोटिस दिज एक्सप्रेशन इन दिन फॉरिंग फ्रॉम दिकेक्स एक्चुअली डियर इसमें मैटर क्या है इसमें जो जो ये फ्रेजेस देखे ना आर हार्बर अ मैन लाइक मी सीक प्रॉप सो यू विल गेट द एग्जैक्ट मीनिंग आफ्टर यू हैव रेड अब पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा जहाँ भी भी आएगा ये हम आपको इसकी मीनिंग बताते चलेंगे ओके लेट्स गो है When I I I first visited Gandhi, Gandhi in 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 at his ashram in in central Asia, central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of ज्रम इन सेवाग्राम इन आई विल डर स्टूडेंट्स यहाँ पर लुइस फिशर कह रहे हैं कि जब मैंने पहली बार गांधी का विजिट किया गांधी से मिला यानी उन्नीस सौ बयालीस में जब आश्रम में से आश्रम में कहा उस सेवाग्राम में जब मैं उनसे मिला जो कि कहाँ है सेंट्रल इंडिया में यानी कि महाराष्ट्र में है ही सेड उन्होंने कहा कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड मैं ये बताऊँगा कि यह कैसे सब कुछ हुआ दैट आई डिस द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश मैंने ये मैंने ये डिसाइड किया अर्ज कि करने की कि ब्रिटिश का कैसे डिपार्चर हो यानी कि ब्रिटिश यहाँ से कैसे चले जाए आप सोचिए फिलाडेल्फिया का एक स्कॉलर गांधी जी से सेवग्राम आश्रम में मिलता है और ये कहता है उसकी इच्छा ये होती है कि वो गांधी जी से कैसे ब्रिटिश के यहाँ से जाने के बारे में कुछ कहे इट वॉज इन 1917 और यह मैटर कब था 1917 का ओके राइट यानी कि 1917 का मैटर था और ये जब ये इन्होंने पहली बार जब ये मिले थे तो 1942 में मिले थे ही हैड ग डिसम्बर नाइनटीन सिक्सटीन एंड वर्ल्ड कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ अब गांधी जी के बारे में वो कहते हैं कि मैटर देखिए ध्यान से सुनिए कि 1917 की जो बात है वो गांधी जी की बात है और जो विल्य फिशर के मिलने की बात है वो 1942 में है तो वो दिसंबर में 1916 सौ सोलह कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लखनऊ लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो 1916 में था तो दिसंबर 1916 में वहाँ पर गांधी जी गए हुए थे देर वर टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स बहुत सारे वहाँ पर प्रतिनिधि थे दो हज़ार तीन सौ एक प्रतिनिधि थे और बहुत सारे वहाँ पर विजिटर्स भी थे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधीड पेजेंट के मफ्ट लुकिंग लाइक एन अदर प्रेजेंट इन इंडिया पॉल एंड एंड सैड आई एम राजमार शुक्ला उस प्रोसीडिंग्स के दौरान यानी कार्यवाही के दौरान गांधी जी ने यह दिया दिलाए कहा कि एक प्रेजेंट एक किसान हमारे पास आता है यानी आया और लुकिंग लाइक एन अदर प्रेजेंट इन इंडिया यानी भारत में और भी किसान की तरह वो दिखने वाला था और भी बेचारा बेहद पोर था गरीब था क्या था गरीब था और इमेशिएटेड इमेशिएट मीन्स क्या होता है वीक कमज़ोर था कमज़ोर का मतलब जानते हैं किस वजह से लैक ऑफ फूड या ड्यू टू इलनेस किसी बीमारी या किसी बीमारी की वजह से या खान पान की कम की वजह से जब इंसान दुबला पतला हो जाता है उसी को इमेशिएटेड कहते हैं इनसेड और कहा आई एम राजकुमार शुक्ला मैं क्या हूँ राजकुमार शुक्ला यानी मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है आप ध्यान से सुने कि गांधी जी से मुलाकात जो राजकुमार शुक्ला से हुई वो लखनऊ के अधिवेशन में हुई लखनऊ के इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके नाइनटीन सिक्सटीन में हुआ था वहाँ पे मुलाकात हुई आई एम फ्रॉम चंपारण तो शुक्ला जी ने कहा मैं कहाँ से हूँ चंपारण से हूँ जो कि बिहार में है एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आए यानी कौन कह रहा है चंपारण चम, से राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आएँ मेरे ज़िले में आएँ गांधी हैड नेवर ऑफ द प्लेस यानी कि गांधी जी ने कभी भी ऐसी जगह के बारे में सुना ही नहीं था चंपारण कौन सा ज़िला है भाई चंपारण क्या है उनके उनको तो मालूम नहीं था इट वॉज इन द फूट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज यानी कि बेहद ऊंचे जो ऊंचाई पे स्थित हिमालय है उसके नीचे वाले पोर्शन पे जो कि नेपाल का एक किंगडम है नियर द किंगडम ऑफ नेपाल नेपाल का एक किंगडम है राज्य है उसी के फुट हिल्स मतलब होता है जमीनी जमीनी मतलब उस नीचे वाले पोर्शन पे ये क्या है स्थित है यानी कि चंपारण चंपारण इज सिचुएटेड द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग था हिमालय और विच इज द किंगडम ऑफ नेपाल इज इट ओके लेट्स को अंडर एन एंशियट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स फॉर शेयर क्रॉपर्स अगर हम प्राचीन समय का मतलब पहले की बात करें प्राचीन समय की व्यवस्थाओं की बात करें अरेंजमेंट की बात करें तो चंपारण के किसान जो हुआ करते थे वो शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे शेयर क्रॉपर्स मीन क्या होता है कि दोज दोज फार्मर्स दो प्रेजेंट्स हु वर्क इन द फील्ड ऑन द वर्ज ऑफ शेयरिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ शेयरिंग यानी कि जब वो अनाज वो पैदा होता है ना उसकी शेयरिंग पर बटाई पर जो है जो किसान वो फसल उगाते हैं उन्हें शेयर क्रॉपर्स कहते हैं यानी कि हिस्से की बटाई में रहते हैं हिस्से की बटाई करने वाले किसान राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ दम राजकुमार राज शुक्ला भी उनमें से एक थे ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट वह क्या थे इलिटरेट थे लेकिन बड़े ही रेजोल्यूट थे हीड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द जस्टिस ऑफ द लैंड लॉर्ड सिस्टम इन बिहार वो क्या वो राजकुमार शुक्ला कहाँ आए कांग्रेस सेशन में आए किस कंप्लेन करने के लिए आए वो भी किसके बारे में जो बिहार में जो जमींदारी प्रथा है उसके इनजस्टिस uh, के लिए ना इंसाफ़ी के लिए उनसे कंप्लेन करने के बारे में आए एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड और किसी ने शायद ये भी बताया रहा होगा स्पीक टू गांधी यानी ये जो प्रॉब्लम है गांधी जी को बताया जाए गांधी जी से बोल दो तो उसका सोल्यूशन निकल जाएगा यानी किसी ने उनसे बताया था शायद तो जो जमींदारी प्रथा है ना बिहार में वो बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं टॉर्चुअस है बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है क्योंकि वहाँ पर इनजस्टिस है वहाँ पर जो बड़ी ना बहुत ज़्यादा अनोये करते हैं बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि परेशान करते हैं परेशान करते हैं और बहुत ज़्यादा वसूली करते हैं गांधी टोल्ड शुक्ला गांधी ने शुक्ला को बताया ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज़ आल्सो वो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उनकी उनका एक अपॉइंटमेंट है यानी कि वहाँ जाना है कानपुर में जाना एंड वॉज ऑल्सो कम टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया और वो भी मतलब और भी इंडिया के यानी भारत के दूसरे भागों और शहरों में भी वो जाने के लिए प्रतिबद्ध थे यानी युद्ध वादा किया था वो जाएंगे शुक्ला क, अ शुक्ला अ हिम एवरीवेयर और शुक्ला उनके साथ हर जगह गया देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद अहमदाबाद के पास उनका जो आश्रम जिसे साबरमती आश्रम कहते हैं वहाँ पर वो वापस हुए शुक्ला फॉलोड हिम टूद आश्रम और शुक्ला भी पीछे पीछे उनके आश्रम में चले गए फॉर वीक्स हिने वर्ल्ड लेफ्ट गांधी जी साइड हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी के पत् गांधी जी का दामन नहीं छोड़ा तो लास्ट में क्या हुआ राजकुमार शुक्ला ने कह ही दिया बिग मींस क्या है कि रिक्वेस्टिंगली कहना बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि विनम्रता पूर्वक कहना फिक्स अ डेट यानी कि प्लीज मुझे तारीख बता दीजिए जब आप आएंगे इंप्रेस्ड बाय द शीयर कॉपर स्टेलेसिटी एंड स्टोरी गांधी जी सेड अब ये शेयर कॉपर यानी कौन राजकुमार शुक्ला के उस स्टेनेसिटी से स्टेनेसिटी मींस क्या होता है परसेफरेंस यानी दृढ़ता से या यूं कह लें कि इतने बार बार रिक्वेस्ट करने की मतलब लगे रहना क्यों कह लें कि किसी बात पे दृढ़ संकल्पित होना उसकी ये इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर द एंड स्टोरी और उसकी कहानी से प्रभावित होकर गांधी ने कहा गांधी सैड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ऑर डेट मुझे कलकत्ता में कलकत्ता जाना है फला फलार तारीख को जाना है कम एंड मीट मी वहाँ आना और मुझसे लेना, मिल लेना आई एंड टेक मी फ्राम देयर और मुझे, मुझे वहाँ से रिसीव कर लेना वहाँ से ले चलना ओके okay डियर तो ठीक है डियर दैट्स एनफ फॉर डे एंड सी यू अगेन विद नेक्स्ट वीडियो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आ, अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो